देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का नंबर वन न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। क्रीड़ा भारतीय के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने के लिए आने वाले खिलाड़ियों और डेलीगेट के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में हेल्प डेस्क में माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। क्रीड़ा भारतीय की यातायात व्यवस्था प्रमुख के द्वारा सबों को कार्यक्रम स्थल तक धनबाद रेलवे स्टेशन एवं अन्य जगहों से समय पर पहुंचाया जा रहा है। इसकी जानकारी मीडिया प्रभारी मिल्टन पार्थ सारथी ने आज मीडिया को दी। नेशनल टुडे लैब की खास पेशकश आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। धीरे धीरे और खिलाड़ियों का आगमन होगा धनबाद में। पता है कि क्रीड़ा भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन धनबाद में हो रहा है और कल से प्रारंभ होगा। हमारे यातायात व्यवस्था के प्रमुख रविंद्र ओझा जी, उनकी पूरी टीम, जितने भी प्रतिनिधि जहां भी आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड या अन्यत्र माध्यम से, इनकी पूरी टीम लगी हुई है और अभी तक कम से कम 250 की संख्या आ गई है। और बस इसके बाद अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ ही देर पर 70 और आएंगे और अगले 2-3 घंटों में 200-300 की संख्या आ जाएगी और कल सुबह तक लगभग 2000 की संख्या आ जाएगी। एक गजब का उत्साह है लघु भारत। कब से ये कार्यक्रम होना और कल से शुरू हो जाएगा? कहाँ पर? राजकमल विद्या मंदिर में। कल, परसों और तरसों, मतलब 30 तारीख के 12 बजे तक का सत्र यहाँ पर होगा राजकमल विद्या मंदिर में और फिर 30 तारीख के 2 बजे दिन से 4:15 बजे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी परम पूजनीय मोहन जी भागवत का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो कार्यक्रम एयरपोर्ट के नज़दीक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में।